तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज लेकर आई हूँ ये दो सूट जो कि वायरल हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए भी ये सूट बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं डबल सूट की कटिंग करने वाली हूँ। जी हाँ, ये जो दो सूट आप देख रहे हैं ये मैं जॉर्जेट के मार्केट से लेके आई थी। तो इन दोनों को मैं एक ही टाइम पर कट करने वाली हूँ, जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा। तो ये देखिए, तो हम अपने फैब्रिक को कुछ अच्छी तरीके से समेट कर फोल्ड करके रख देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों सूटों को इकट्ठा रख दिया है। ये देखिए, एक रेड कलर का सूट है और दूसरा है पिंक, दोनों को मैंने इकट्ठा रख दिया है। और अब इसकी मैं लेंथ लूँगी, यानी कि जितना हमें कुर्ते की लंबाई करनी है वो लंबाई हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 38 इंच लिया है और इस कुर्ते के पीस को मैं अलग कर दूँगी। तो ये देखिए, हमारे दोनों सूट ये रखे हुए हैं। तो मैं दोबारा से इसको अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। ये हमारा पिंक वाला सूट हो गया है और इसके ऊपर ही हम सेम तरीके से डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए रेड कलर के सूट को भी रख देंगे। तो कपड़े के किनारों को और सिलवटों को अच्छे से सीधा कर लें, मतलब कोई भी थोड़ी सी भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारे दोनों सूट मैंने सेट करके रख दिए हैं। तो अब मैं इसमें मेजरमेंट लूंगी, यानी कि जो हमारी कुर्ती का निशान होगा हम वही निशान लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारी लेंथ रखनी है हमें वो रखेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही डिज़ाइन दी हुई है तो हमें एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखने की कोई नीड नहीं है। तो चलिए अब हम अपने कुर्ते का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपना क्रॉस बैक लिया है 6 इंचेस पर और उसके बाद मैं अपने आर्म होल का निशान लगाऊंगी, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर 7 इंचेस पर लगाया है, यानी कि जितना हमारा क्रॉस बैक होगा उससे हम +1 कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी और ये जो हम होती हैं हमारी फिटिंग लाइंस होती हैं, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और चेस्ट लाइन। तो ये तीनों लाइन मैं आपको खींच के दिखाती हूँ और इसमें मैं 7 इंचेस का थोड़ा सा गैप रखती हूँ। आप चाहें तो 6 इंच यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं तो ओनली 7 इंचेस का निशान लगाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये निशान तो हमारे लग गए हैं। तो अब आते हैं हमारे चेस्ट के निशान पर। तो ये निशान हम 9 इंचेस पर लेंगे और एक्स्ट्रा में +2 पर लगा लेंगे, यानी कि आपको जितना लगाना हो एक्स्ट्रा में आप लगा सकते हैं। और ये वेस्ट का निशान देखिए, मैंने यहाँ से मैंने ये पूरा 8.5 पर लगाया है ये निशान। और ये देखिए, मैंने निशान लगा दिया है और इसके बाद हमारी जो आती है हिप लाइन आती है, तो उसका भी मैं मेजरमेंट लेकर निशान लगा लूँगी। तो ये मैंने निशान देखिए यहाँ पर 10 इंचेस पर लिया है और उसके बाद जो आता है हम अपने इन निशानों को जॉइंट कर देंगे, इनको शेप दे देंगे। ये देखिए, तो मैं इनको शेप दूंगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी फिटिंग निशान लगेगा। तो ये फिटिंग का मैं निशान लगा रही हूँ अच्छे से, आप भी ध्यान से अच्छी सी शेप में इसका निशान लगाइएगा। तो ये हमारी हिप लाइन भी लग गई है। उसके बाद जो है हम हमारा, ये देखिए, एक्स्ट्रा में जो हम निशान लगाते हैं, जो लेते हैं वो भी हम लेंगे। तो उसके बाद हम अपना पहले आर्म होल की जो गोलाई होती है वो गोलाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैंने ये 1 इंच लिया है और उस पर मैंने ये गोलाई बना दी है। और यहाँ से देखिए, मैंने 1 इंच लिया है साइड में और इस पर हम शेप देंगे, यानी कि ये गोलाई कर देंगे। तो ये जो मैंने साइड से 1 इंच लिया है ना, ये शेप के लिए होता है, यानी कि जो हम डीप नेक वगैरह रखते हैं ना उसमें बहुत अच्छी शेप आ जाती है, इसलिए मैंने ये 1 इंच लिया है। ये एक ईजी टिप है आपके लिए। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा जो हमारे निशान होते हैं ये लूज़ और टाइट फिटिंग के लिए,
तो ये मैंने अपने निशान लगा दिए हैं और इनको भी मैं अच्छे से ज्वाइंट कर दूंगी। तो इसके बाद हम अपने साइड चौक्स जो होते हैं उनका निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं जितनी ये कढ़ाई करी हुई है मेरे कुर्ते पर, जितनी एम्ब्रॉयडरी है वो पूरा फैब्रिक ले रही हूँ और एक्स्ट्रा में मैं 2 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। तो अच्छे से मैं स्केल की हेल्प से इसका भी निशान लगा दूंगी। ये देखिए, तो हमारे कुर्ते के तो सारे मेजरमेंट लग गए हैं। तो चलिए अब इसकी हम जल्दी से कटिंग कर देते हैं। तो चलिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग तो हो गई है, चलिए अब अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसकी भी मैं कुछ इसी तरीके से कर कटिंग करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक को अच्छी तरह समेट के दोनों फैब्रिक लिए मैंने, ये ध्यान रखिएगा आप, पिंक वाला और रेड वाला, और दोनों के बैक पार्ट भी मैं इकट्ठे ही कट करूँगी। तो इसको बिछा दूंगी मैं, और जो मैंने अपना ड्राफ्ट कट किया था ना वही इसके ऊपर रख के मैं सेम कटिंग कर दूंगी। इससे क्या हमारा टाइम भी बचेगा और फालतू का कोई झंझट नहीं होगा। तो मैं कपड़े को अच्छे से समेट लूंगी, मैं कपड़े को समेट रही हूँ। इतने में जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी सारी वीडियोस को देखिएगा और लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा कटिंग किया हुआ पहले का कुर्ता है, तो वो मैं इस कपड़े के ऊपर सेम रख दूंगी और इसकी सेम देखकर जिस तरह से ये ड्राफ्ट रेडी है उसी के ऊपर रखकर कटिंग कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो पहले ही कुर्ते की ड्राफ्ट कटिंग रेडी कर लें आप ब्राउन पेपर पर या बटर पेपर पर और उसी से सारी ड्रेस की कटिंग करें। बट कोई नहीं, हमने पहले से ही इस फैब्रिक पे कटिंग की है तो ये भी मतलब अच्छा तरीका है। तो लीजिए, हमारी कुर्ती की कटिंग तो हो गई है, तो इसको लास्ट फिनिशिंग दे देते हैं और इसको भी मैं समेट कर रख देती हूँ। उसके बाद बारी आती है हमारे प्लाजो की, जो कि तो चलिए अब हम अपने प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक को एकदम समतल स्ट्रेट कर रही हूँ, तो सीधा निशान लगा दूंगी, यानी कि ऊपर नीचे से कभी कभी कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो जाए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में पहले ही निशान लगा दिया है। और उसके बाद ये देखिए, मैं जो मेरा प्लाजो है उसकी लेंथ ले रही हूँ मैं, यानी कि देखिए आपकी जितने भी प्लाजो की लेंथ है उसमें प्लस में आप 1 भी कर सकते हैं और प्लस में 2 भी कर सकते हैं, वो फोल्डिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी ये निशान लगाकर इसको स्ट्रेट निशान दे रही हूँ मैं। तो मैं ये देखिए यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ, ये मैंने 13 इंच पर निशान लगा दिया है। और उसके बाद ये देखिए, हमारा जो निशान होगा वेस्ट का, हिप का, जहाँ पर हमें प्लाजो को बांधना है वहाँ से, तो हमने उसकी पूरी मेन फिटिंग का निशान लगा दिया है और साइड में ये एक्स्ट्रा का है। उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाया है, जो कि हमारा आसन होता है, यानी कि जो हमारी गोलाई आती है वहाँ का निशान है ये। और उसके बाद ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा दूंगी और यहाँ से मैं इसकी शेप दूंगी, इसे गोलाई की शेप दे दूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो एक कर्व स्केल आता है उसकी हेल्प से भी आप इसमें गोलाई दे सकते हैं, और वैसे ही अगर आप गोलाई बना सकते हैं तो स्केल की कोई नीड नहीं है। तो ये हम अपना स्कर्ट प्लाजो बना रहे हैं, तो हमें जितना घेर लेना है, यानी कि जितना चाहिए उतना आप निशान लगा लीजिए। तो मेरे को ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, तो जितना फैब्रिक मेरे को चाहिए था मैंने उतना ही पहले रखा है। और अब इसको जॉइंट करके मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो चलिए, हमारे प्लाजो की हो गई है कटिंग। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दें और मेरी और भी वीडियोस देखिए। तो चलिए, इस ड्रेस का भी फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ।